नमस्कार साथियों, पंचायत चुनाव यानी कि प्रधानी का चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और हम लोग वोट ज़रूर देते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमें किस मुद्दे पर किस लिए वोट देना चाहिए। वही परंपरागत राजनीति जो पुराने लोग किया करते थे, पुरानी बातें, पुराने वादे, और वही पुराने लोग जो हमेशा से सत्ता में बने आ रहे हैं, है ना, यही परंपरागत राजनीति है। साथियों, अब हम लोगों को इन सब से हटके सोचना होगा। हम लोग कितना भी कमा लें, दो चार कोठरी बनवा लेंगे, अच्छा खा लेंगे, अच्छा पहन लेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। हमारी पीढ़ी नहीं बदल सकती है। साथियों, पीढ़ी को बदलने के लिए हमें ऐसे उम्मीदवार का चयन करना है जो 20 साल आगे की सोचे, है ना, आज से 20 साल आगे की, और ऐसा काम वही कर सकता है जो दूरदर्शी सोच रखता हो अपने गांव के लिए पूरी ईमानदारी से। और रही बात परंपरागत राजनीति की, तो परंपरागत वही राजनीति है जो पहले थे, वही हमेशा सोचते हैं कि बने रहें, और वो लोग तो हर कोशिश करेंगे कि हम ही रहें सत्ता में, उन्हें तो सिर्फ बने रहना है चाहे कहीं की भी हो। साथियों, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, मैं सिर्फ अपने गांव नहीं, पूरे अपने क्षेत्र के लिए बनाता हूँ, क्योंकि हम ही अगर आगे बढ़ भी जाएंगे तो हमें अपने क्षेत्र को लेकर चलना है। हमारा जब क्षेत्र ही पीछे रहेगा तो हम कितना भी आगे जाएं, पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई दिखेगा नहीं। तो मैं हमेशा सबकी बात करता हूँ, इसीलिए साथियों कह रहा हूँ कि वही परंपरागत वादे, वही परंपरागत मुद्दे अब नहीं चलने चाहिए। अब कुछ नया सोचिए ना, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, जो उनको आगे ले जाने की कोशिश करे, उनको ले जाने के आगे ले जाने की सोच रखे, उनको आप लोग चुनिए। नहीं तो फिर वही सिस्टम चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ, क्या था, क्या हो गया माहौल। अब मैं ज़्यादा विस्तृत में नहीं बोलूँगा, किसी को दुख भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है, जो है सच्चाई यही है। लोग देखते ही होंगे पहले क्या था, अब क्या हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संभालना मुश्किल है, संभालना मुश्किल है, ये अपने हाथों में है। अगर हम लोग कोशिश करें, मेहनत करें, तो ज़रूर माहौल को सुधार सकते हैं, चाहे किसी का भी भविष्य हो। अगर कुछ बदलाव अगर आ सकता है तो उसके लड़के के द्वारा आए, उसके बच्चे के द्वारा ही आ सकता है। हम कितना भी बेरोजगार आदमी कितना भी कोई कमा ले, सिर्फ दो चार कोठरी बनवा सकता है और अच्छा खा पहन सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कैसी लगी मेरी राय, आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए, और मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, थोड़ा सा मुझे हौसला मिलता है, मुझे मालूम चलता है कि नहीं मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसलिए आप लोग पसंद करते हो। तो ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।